फूट मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को लेके आई हुई हूँ चांदनी चौक में सीताराम बाज़ार, और आज हम पानी से बनी हुई ऑमलेट ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, जो आई थिंक इंडिया में बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो सर, आज क्या खिलाएंगे हमें? मैं आज आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर पानी वाला ऑमलेट। उसकी भी मेकिंग है, पूरे पानी के अंदर बनता है। यहाँ की स्पेशलिटी रहती है, जब कोई पेशेंट आता है या कोई जिम का आता है तो वो कहता है पानी में ऑमलेट। मैं वही एक वेरी स्पेशल आइटम दे रहा हूँ आज आपको, और वही आपको उसको पूरी मेकिंग दिखाता हूँ। आइएगा, ये चलिए, ये मैंने पानी की बोतल खोलनी है, ये भी मैं भैया से खुलवाऊँगा। आप आइए सर इधर, ये ज़रा बोतल खोलिएगा। नहीं नहीं खोलना ज़रूरी है, और क्योंकि पानी के अंदर कोई घी तेल में नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और ये भी पानी डाल डाल के बनेगा। एक यहाँ की वेरी स्पेशल आइटम है, बहुत ही, कहीं भी आपको पूरी दिल्ली आप घूम आइएगा, कोई पानी वाला ऑमलेट दो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सिकंदर भाई भी यहाँ पानी के अलावा और कौन बना लेता है। ठीक है जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी मतलब पानी आपने मतलब बटर घी या फिर जो ऑयल कुछ ना कुछ यूज़ तो होता है, बट आपने पानी वाला ऑमलेट कहीं भी नहीं सुना होगा। यस, ये मैं दो अंडे तोड़ रहा हूँ, ये प्याज मिर्चें, इसमें अदरक मिक्स है, और ये नमक, लाल मिर्च, और ये यहाँ का मेकिंग वाला मसाला जो 15 से 18 मसालों का होता है, एक स्वाद ये मेरे बाबूजी ने दिया हुआ है। यहाँ का एक बेसिक स्वाद है, मैं घी तेल तो नहीं खिला रहा, मगर हाँ एक अच्छी सी स्पेशलिटी स्वाद की खिलानी है मुझे, मैं वो खिला रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है कि अगर घी तेल नहीं है तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं कॉम्प्रोमाइज़ आप ये खाने के बाद बताएंगे। मैं अक्सर ग्राहक से ये कहता हूँ आप पहले खाओ, परखो, फिर आगे बात करते हैं उस स्वाद की। और पानी के अंदर कोई 100 में एक जना बना पाता है, नहीं बना पाता घर पे भी, मगर मैं आपको बना के पानी में दिखा रहा हूँ, उस पर गौर करिएगा। हाँ, और इसमें भी मैं आपको दो दफ़ा भी पानी डालूंगा तब ये सिकेगा, ढंग से निकलेगा, बनेगा, इसके अंदर थोड़ा सा पूरा करना पड़ेगा तब जाके बन पाएगा। ठीक है, अभी इसकी प्रेजिटेशन होगी थोड़ी सी। ये टमाटर, ये धनिया, हाँ अभी डलेगा, दो मिनट हल्की सिकाई हो जाए, उसके बाद फिर पानी डाल के इसको छुड़ाया जाएगा, क्योंकि ये बगैर घी तेल के चिपका हुआ है बिल्कुल। घर पे डालेंगे या कहीं भी करेंगे वो स्वाद नहीं आ पाए, मगर हाँ मैं आपको स्वाद भी खिलाऊंगा। यहाँ तक सिकंदर ऑमलेट की एक पहचान है, मैं वो चीज़ें आपको ज़रूर खिलाऊंगा। ठीक है, देखिए थोड़ा क्योंकि वाटर डाला हुआ है, तो यही कला है। मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पानी के अंदर बनाना बहुत कहना आसान है, मैं ये जानता हूँ, और बनाना बहुत मुश्किल है। उस ऑमलेट को पानी के अंदर देना और बनाना और ऐसे बिल्कुल साफ निकालना, स्वाद देना, ये चीज़ें की कला है जो मेरे बाबूजी मुझे सिखाया करते थे बचपन से, मैं उस कला को आज पेश कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी एक बार और जाएगा, जब पलटा लग जाएगा, सिकाई की जाएगी, तब दिया जाएगा। आप गौर कर सकते हैं, कैमरे को यहाँ लाइएगा, किसी के अंदर कोई चिकनाई दिख रही हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि मुझे तो यहाँ पे खड़ी हुई है तो मुझे तो कहीं भी यहाँ पे एक मैं तो आपके सामने ही बोतल खोल रहा हूँ और आपके सामने सारी कला दिखा रहा हूँ। ये यहाँ की स्वाद की कला है जो मैं पेश करता हूँ और यहाँ दिखाता भी हूँ। मुझे लगता है पूरी इंडिया में पानी का ऑमलेट कहीं और मिलता होगा। के माध्यम से इतना कह पाऊँगा कि एक स्वाद को देना करना ये यहाँ की कला है, उसको मैं पेश कर रहा हूँ, और उसी स्वाद को मैं आज भी खिलाता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया है मैं उसी स्वाद को आज भी देता हूँ, बहुत सारी आइटमों में देता हूँ यहाँ पर स्वाद के अंदाज में। तो अभी आप ग्रेट कर रहे हैं, एग बॉइल्ड है। हाँ, ये भी ऊपर पैजिटेशन में डलेगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा, इसको एक स्वाद होता है, उसको पूरी तरीके से दिया जाता है। अभी भी आप देखिए कितना चिपका हुआ है, ये ऐसे नहीं चिपकेगा, आप देखिए पानी डाल के मेरे को छुड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एक सिकाई भी देनी है और जलना भी नहीं है, स्वाद भी देना है, तो उस पर काम करना, उस पर देना, वो चीज़ें ज़रूरी है। आपने पानी में ऐसे घर पे कभी बनाया हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इतना ही कह पाऊँगा आपसे। मैंने तो कभी नहीं बनाया, और आई थिंक कि जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कभी पानी में ऑमलेट ट्राई किया होगा। बट यहाँ पे आप देखिए पूरे अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और धुआं भी निकलता हुआ आप देख। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने अंडा डाला है, बाकी प्रेजेंटेशन में 3-4 चीज़ें डलती है, मैं वो डाल रहा हूँ और स्वाद को दे रहा हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ऑमलेट। ये ऐसा है, ये बाबूजी का एक आशीर्वाद है, हम स्पेशल आइटम पे जो लगाते हैं ये वो है। ठीक है जी, इसका बना दिया है।
ये आप टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका स्वाद क्या रहा। ये सिर्फ एक 50 रुपीज़ का है विदाउट ब्रेड का, और चार स्लाइस के साथ ये 60 रुपीज़ का है। ठीक है जी, बाकी मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स के सामने आप बिल्कुल टेस्ट करके उनको ज़रूर बताएं कि क्या स्वाद रहा। जी थैंक यू, मेरे पास ये ऑमलेट आ चुकी है, ये मैं ले लिया, थैंक यू। अब मैं पानी वाला ऑमलेट टेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। जी तो मेरे पास यहाँ पे पानी वाला ऑमलेट आ चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि पूरी इंडिया में आपको पानी वाला ऑमलेट कहीं और मिलेगा, और या फिर आपने कभी घर पे ट्राई किया होगा, मैंने तो कहीं भी नहीं किया। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं या फिर जो लोग कैलोरी कॉन्शियस है वो इस ऑमलेट को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आप देखिए कितना ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल ऑमलेट लग रहा है, मज़ा ही आ गया, दिल खुश हो गया सिर्फ देखकर ही। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। बहुत गर्म है। अगर ये पानी वाला ऑमलेट है तो इट डजंट मीन कि इसमें टेस्ट नहीं है, मैं टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ऑलवेज में ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, बट मुझे ऑयल की कमी दूर दूर तक इसमें नहीं लग रही। तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि पानी से बना हुआ है कि वाटर टेस्ट है, बट वाटर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, पैसा वसूल चीज़ है, वर्थ ट्राइंग है। अगर आपने कभी पानी वाला ऑमलेट नहीं खाया तो आप पानी वाला ऑमलेट सिकंदर ऑमलेट में सीताराम बाज़ार चांदनी चौक में आप ज़रूर आगे ट्राई करें। या तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप दिल्ली विजिट कर रहे हैं या फिर चांदनी चौक विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके इनका पानी वाला ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।